गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। कर्ज और महंगा रेपो दर में चौथी बार वृद्धि, 0.50% बढ़कर 3 साल के उच्च स्तर पर। महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाया कदम, 5.90% हो गई है अब रेपो दर बढ़कर। शिक्षा केंद्र पर आत्मघाती हमला, 23 बच्चों की मौत, काबुल स्थानीय सूत्रों का दावा। मृतकों की संख्या 100 से अधिक, ज़्यादातर छात्राएं। पारदर्शी तरीके से 5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी योगी। सीएम ने 332 आबकारी आरक्षियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को आकार देंगे नए शहर, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, बदलते वक्त के साथ शहरों का आधुनिकीकरण जरूरी। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अजय देवगन और सूर्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में किया शामिल, 18% हिस्सा हड़पा। कहा, अमेरिका और पश्चिमी देश हमें बांट कर रहे गुलाम बनाने की कोशिश। इयान तूफान, फ्लोरिडा में 21 लोगों की मौत, 4,700 करोड़ डॉलर की संपत्ति का नुकसान। तबाही मचाकर दक्षिण कैरोलिना की ओर बढ़ा तूफान। T20 एशिया कप में बादशाहत वापस पाने उतरेगी हरमन की टीम, श्रीलंका से मैच आज। इस प्रारूप में भारत 2 बार रहा है विजेता, पिछली बार फाइनल में बांग्लादेश से हारे थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।